ओके सो हे गाइस दोस्तों वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की जिगर मांदरा वाले की न्यू फोटो एडिटिंग। तो गाइस इस फोटो एडिटिंग में गाइस मैं जितने बैकग्राउंड पिन जिसका यूज करूंगा सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप इजीली वीडियो देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस वीडियो जो हमारी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो गाइस अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी चलिए गाइस आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइज आप सभी को सबसे पहले करना क्या है गाइज, आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देन गाइज आपको जाना है ऐड फोटो में, एंड गाइज यहाँ से आप सभी को ऐड करना अपने मॉडल को। एंड गाइज जो मॉडल का कटआउट है मैंने पहले से ही कर रखा है, एंड जिसको नहीं आता है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप लोग उस वीडियो को जाकर देख लेना। फिर गाइज आपको अपने मॉडल को कुछ इस टाइप से साइज रखना है अपने मॉडल का। एंड गाइज उसके बाद आपको जाना है यहाँ से इस फोटो को मतलब कि ओपेसिटी यहाँ पे पहले कम कर लेना है। देन गाइज उसके बाद आपको ले जाना है रेजर टूल में, आपको रेजर टूल में जाने के बाद हार्डनेस फुल कर लेना है, साइज अपने अकॉर्डिंग रख लेना है। एंड गाइज आपको पहले नीचे से इरेज करना है अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे गाइज मैंने वीडियो को फास्ट कर रखा है, ठीक है, तो आप लोग आराम से करना, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है, अच्छे तरीके से एकदम प्यार प्यार से और आराम आराम से करना, कोई भी पार्ट रहना नहीं चाहिए, ठीक है। उस तरीके से आपको इरेज करना है, जो ये मतलब कि आपको पाइप टाइप की जो दिख रही है आपको, ये वाली जो एरिया है इसमें से सिर्फ ये दो एरिया ही आगे का इरेज करना है, ज़्यादा इसमें मेहनत है नहीं गाइज, ठीक है, तो आप लोग अच्छे से कर लोगे मेरे को पता है। तो यहाँ पे इतना हो जाने के बाद आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे गाइज आपको देखिए हमने अभी अच्छे से कर लिया है, अब इसको हम गाइज यहाँ पे सिंपली डन करेंगे। एंड गाइज इतना कर देने के बाद आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे गाइज आपको जाना है फिर यहाँ से टूल्स में, फिर आपको जाना है एडजस्ट में, फिर आपको यहाँ पे थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ानी है, फिर आपको इरेजर टूल में जाना है, इसको यहाँ पे इन्वर्ट करना है, ब्रश लेना है, ब्रश को लेने के बाद गाइज आपको यहाँ पे फोटो को जूम करना है थोड़ा। एंड गाइज कुछ स्टेप्स आपको ऐसे पेंट करना है, एंड गाइज थोड़ा सा पेंट यहाँ पे करना है, एंड गाइज आपको थोड़ा हैंड वगैरह पे भी कर देना है, ठीक है, एंड थोड़े टी शर्ट के ऊपर भी कर देते हैं। एंड उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे थोड़ी सी ओपेसिटी बढ़ा के, एंड यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे डन कर देना है। पहले थोड़ा सा एरिया यहाँ पे आगे इसको इरेज कर लेते हैं, एंड अभी आपके हम कर देते हैं डन, ठीक है गाइस। इतना हो जाने के बाद आपको सिंपली इसको लेके चलना है लाइट रूम ऐप में फोटो को सेव करके। एंड उसके बाद आगे का प्रोसेस मैं आपको लाइट रूम ऐप में बताता हूँ। लाइट रूम ऐप में ले जाने के बाद गाइस आपको जाना है स्लाइड वाले ऑप्शन में, आपको गाइस पहले थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना है, फिर आप सभी को गाइस थोड़ा सा यहाँ पे जो हाईलाइट है इसको थोड़ा इंक्रीज करना है, ठीक है, मतलब माइनस करना है। एंड उसके बाद जो यहाँ पे शेडो है थोड़ा इंक्रीज करना है, एंड यहाँ पे जो व्हाइट है इसको थोड़ा कम करना है, एंड जो ब्लैक है इसको थोड़ा सा बढ़ा देना है। फिर गाइस आपको यहाँ से जाना है आपको कलर्स वाले ऑप्शन में, आपको गाइस यहाँ पे थोड़ा सा वाइब्रेशन बढ़ाना है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको टेम्परेचर कम करना है, फिर आपको जाना है कलर मिक्स में, आप सभी को ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है, इसका सैचुरेशन आपको थोड़ा माइनस करना है, ल्यूमिनस बढ़ा देना है। फिर गाइस आपको यहाँ पे क्या करना है, आप सभी को जाना है डार्क येलो में, एंड उसके बाद सॉरी ब्लू में आपको इसका थोड़ा सा ना ह्यू बढ़ा देना है, एंड सैचुरेशन भी बढ़ा देना है। फिर आपको जाना है ऐसे गाइस येलो कलर में, आपको इसका ह्यू जैसे कि एग्जांपल पे माइनस प्लस आप देख लेना, जो आपको कलर अच्छा लगे वो रख लेना, ठीक है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आप सभी को सिंपली डन कर देना है। एंड गाइस उसके बाद यहाँ से जाना है आपको नीचे वाले टूल में, फिर गाइस आपको फोटो की शार्पनेस इंक्रीज कर देना है, एंड गाइस जो फोटो में विग्नेट है वो डाल देना है। एंड गाइस इसके नीचे स्क्रॉल करना है, आपको यहाँ पे मिलेगा आपको यहाँ पे ग्रे माउंट, आपको उसको बढ़ा देना है। एंड गाइस इसके बाद जाना है आपको नीचे वाले टूल में, यहाँ पे गाइस आपको फोटो की शार्पनेस है जो इसको इंक्रीज कर देना है। एंड गाइस इसके नीचे जो नोड रिडक्शन है आपको उसको बढ़ा देना है, एंड इसके नीचे जो है भाई कलर नोड रिडक्शन आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली आप देख सकते हैं हमारी जो फोटो एकदम अच्छे से कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो गाइस आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।